सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बटे, और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। तो लीजिए, मंशा रहमान और तनवीर अहमद, आज आपकी मैं रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। सॉरी, मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया आपके रिक्वेस्ट को पूरा करने में, क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी की बटे नहीं मिल रही थी। तो अब आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 किलो और 400 ग्राम बटे ली हैं, और ये बहुत साफ बटे आई थी, तो ये ज्यादा गंदी नहीं थी। तो इनको मैंने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है और फिर छन्नी में डाल दिया था। अगर आपको इतनी साफ बटे नहीं मिले तो फिर आप इनको 1 टीस्पून चूना, जो पान में लगाने वाला चूना होता है वो, और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लगा के और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद हल्के गर्म पानी से इनको धो के छन्नी में डाल दीजिएगा। तो देखिए, ये बटे हैं, बिल्कुल साफ हैं और अच्छी क्वालिटी की मोटी बटे हैं। उसके अलावा ली है मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 100 ग्राम मैंने दही ली है, दही हमें थोड़ा ही लेना है, हमें बटों में खटास नहीं चाहिए, सिर्फ हमें जो प्याज की मिठास है उसको बैलेंस करने के लिए हमने दही को लिया है। 1.5 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून ही हमने हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 2 ही टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो बटे बनाने के 2 स्टाइल होते हैं। आज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नॉर्मल मसाले वाला, जिसको हम रोटी से या चावल से खा सकते हैं, ये वो स्टाइल है। एक स्टाइल और होता है, वो होता है स्ट्रीट स्टाइल, यानी जो बाजार वगैरह में मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वीडियो में वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बटे जो होती है वो मटन से डबल टाइम लेती हैं गलने में, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको हम आमतौर पर प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने लिया है 1 कप ऑयल, और ऑयल में हम अपनी प्याज को डाल के गोल्डन फ्राई करेंगे। कुछ लोग बटों को ओझड़ी भी कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आप क्या कहकर इनको बाजार से लेंगे। बुचर से आप बोल दीजिएगा बटे या ओझड़ी, जो भी उसकी समझ में आए। इसको हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते हैं, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। कुछ लोगों को बटे शायद ज्यादा अच्छी नहीं लगती होंगी, या फिर उनको इनको देखकर या इनका नाम सुनकर अच्छी फीलिंग नहीं आती होगी, लेकिन अगर कोई चीज हलाल है तो अल्लाह ताला ने उसमें कोई ना कोई फायदा ही रखा होता है। तो बटे भी कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, आप रोजमर्रा ना बनाएं, साल में, 2 साल में, या कभी 6 महीने में एक बार इनको बना सकते हैं, और ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है और ये हाजिम भी होती है। तो मैं भी बहुत कम बनाती हूँ, शायद ही मैंने 1-2 बार बनाई है ये, और मेरे बच्चे आज पहली बार ये खाएंगे, उन्होंने तो कभी खाई भी नहीं है। तो बस हमारी अनियन होने ही वाली है। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, अब हम अपनी गैस को लो करते हैं और डालते हैं ये बटे। इसी के साथ हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इनको हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। बटों में काफी पानी हो गया है, हम इनको 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी इनमें काफी पानी है और हम इसे अभी इतना भूनेंगे कि इसका पूरा पानी ड्राई हो जाए, वरना इसमें से स्मेल आने का डर रहेगा। तो थोड़ी देर हम इसे और भून लेते हैं। तो 10 से 12 मिनट हमने बटों को अच्छे से भून लिया है, अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और सभी चीजें डाल के मैं इनको फिर से भून लूंगी। जितना ज्यादा आप इनको भूनेंगे उतनी
इसकी जो स्मेल है वो खत्म होती जाएगी और ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैं इसको फिर से 5 मिनट भून लेती हूँ, फिर हम डालेंगे इसके अंदर दही। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी आने लगा है। अब हम डालेंगे इसके अंदर दही और दही डाल के फिर से हम 5 मिनट इसको भून लेंगे। तो दही डालकर हमने 5 मिनट के लिए इसे फिर से अच्छे से भून लिया है और ये देखिए सभी मसाले बटो के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इन्हें गलाएंगे, तो गलाने के लिए मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि बटे जो है वो अच्छे से डूब जाए। एक मग मैंने डाल दिया है, थोड़ा मैं और डालूंगी क्योंकि काफी देर तक गलेंगी तो इनमें पानी ज्यादा जाएगा। तो 2 मग मैंने इसमें पानी भर के डाल दिया है, बाकी का जब ये गल जाएंगी उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि कितनी जरूरत है शोरबे में हमें। अब मैं इसका ढक्कन लगा के पहले मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लूंगी, फिर लो फ्लेम पर मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो बटे जब तक हमारी गल रही हैं, हम अपनी कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो पैन में मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और इसको मैं हल्की आंच पर हिलाते हुए इतना रोस्ट करूंगी कि इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम अपनी गैस को बंद करते हैं और इसको दूसरे एक बोल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। तो कसूरी मेथी थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसको हाथ से हल्के से क्रश कर लेते हैं। 25 से 30 मिनट हमने बटो को गला लिया है और अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के गैस को दोबारा ऑन कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी भुनी हुई कसूरी मेथी, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से जब तक भूनेंगे कि जब तक इसमें से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। बटो पर ऑयल आ गया है, ये देख सकते हैं आप, सरफेस पर आ गया है। मैं अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के एक सीटी और लूंगी, फिर अपनी गैस को बंद कर दूंगी। बटे हमारी तैयार है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो बटे देखिए तैयार हैं और कितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं ये। मैं इनके ऊपर अब डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो लीजिए मंशा रहमान और तनवीर अहमद साहब, बटे तैयार हो गई हैं और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।